नो डाउट कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, कुछ स्टूडेंट्स दे केस दे विच एक गल बिल्कुल गलत हो सकती है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे लई ये सही होएगी जो अजकल दी डिमांड हैगी है। देखो बहुत बच्चे बहुत वड्डी गलती कर रहे हैं कि नोट्स तो देख के नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बनाने का अजकल टाइम नहीं है। जे थोनू अज भी नोट्स बनाने पै रहे ने, इहदा मतलब थोड़ा सोर्स गलत है, थोड़ा पढ़न का तरीका गलत है। मैं फिर रिपीट कर रहा जी, हो सकता थोनू काफ़ी गलत लग रहा हो, काफ़ी बुरा लग रहा हो, पर एक बहुत वड्डी सच्चाई है। नो डाउट बहुत कॉन्ट्रोवर्सीस आनगी है, बहुत बच्चे कहेंगे इदा नहीं हुंदा उदा नहीं हुंदा, पर यह सच्चाई है। जे अज के टाइम से थोनू नोट्स बनाने पै रहे ने तां तुसी बहुत गलत रस्ते ते चल रहे हो। हाँ कुछ एक्सेप्शन हो सकदियां ने, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स हो सकते हैं। हुण कहो तुसी मेन्स की तैयारी करनी है तो ऑब्वियसली मेन्स राइटिंग तो करनी हो पेगी। जे तुसी यूपीएससी मेन्स की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस मेन्स की कर रहे हो, तो आंसर राइटिंग करनी हो पेगी। कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं भी लास्ट टाइम तो जिहड़ा हैगा शॉर्टेस्ट वर्जन दे विच सानू नोट्स अपनी समझ आते हैं कि मैं सवेरे पढ़ के जाने होंगे ने, एक दिन पहला पढ़ के जाने होंगे, वो एक्सेप्शन ने। बट बच्चे की कर रहे हैं, चार पेजां दे नोट्स जो पढ़ रहे ने, छे पेजां दे नोट्स बना रहे ने, ये की मजाक है? तुसी इन्ने वधिया वधिया जिहड़ा हैगा सोर्सिस अवेलेबल ने, जिथे शॉर्टेस्ट वर्जन दे विच नोट्स ने, करक्स दे विच मटीरियल है, टू द पॉइंट मटीरियल है, जिहड़ा पेपर दे विच आना है वह मटीरियल है। तुसी कह रहे हो जद तक असी पिछली पूरी स्टोरी नहीं पढ़ते, जद तक अगे वाली स्टोरी नहीं पढ़ते, उद तक सानू समझ नहीं आता, इहो जिहा कुछ है ही नहीं जी। मैनू नहीं लगता बहुत स्टूडेंट्स इस तरह के ने जिहड़े टू द पॉइंट अप टू डेट पढ़ के गए ने, नोट्स जिहड़े हैगे ने उन्हां नू बेनीफिशियल रहे ते उन्हां दे पेपर क्वालीफाई हो गए। तो मैं तो यही कहना भी बहुत बच्चे अपना सिलेबस देखते रहे हैं, नोट्स बनाते रहे हैं, बहुत बच्चे जिहड़े ने ज्वाइनिंग ले जाने नोट्स बनाते ही नहीं, तो सही भी यही है। हौली हौली एक्सैप्ट होएगा, चीज़ नवी हो सकती है। तुसी बहुत सालों तो बहुत नोट्स बना चुके हो मेरे अकॉर्डिंग, बट एक बार तो जिहड़ा हैगा इस चीज़ को फॉलो करके देखो कि बिना नोट्स तो किवें पढ़ाई होंदी है। सारे एफर्ट, सारी एनर्जी, सारा टाइम चीज़ नूं समझन ते लाओ, चीज़ नूं याद करन ते लाओ, चीज़ नूं रिकॉल करन ते लाओ, ना कि वधिया वधिया हैंडराइटिंग दे विच उहनूं हाईलाइट करना, ये करना। वो पहलां वाले जमाने च हुंदियां सी जदों किताबां तो पढ़ पढ़ के पेपर दिते जांदे सी, अजकल तो बनिया बनाया सब किते डेटा हैगा तो पेपर च उही आंदा। तां ट्राई करो घट तो घट, वैसे तो ना ही बनाओ, फिर उही गल एक्सैप्शन हो सकती है। हाँ हुण बच्चे कहिंदे वी नोट्स किवें बनाने चाहीदे ने, देखो बहुत कुछ है। नोट मेकिंग भी एक बहुत वड्डी स्किल है, भी शॉर्टेस्ट नोट्स किवें बनते हैं, जनरल नोट्स किवें बनते हैं, पर्टिकुलर नोट्स किवें बनते हैं, टू द पॉइंट नोट्स किवें बनते हैं, बहुत तरह के नोट्स होंगे ने, बहुत वड्डी एक स्किल है। ऑर्गेनाइज्ड नोट्स किवें बनते हैं, तो ये वैसे सीखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जे कोई सीखना चाहता तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। जे तुसी कहने हो भी यार थोड़ा तो जिहड़ा हैगा बिना नोट्स बनाए सरदा ही नहीं, भी सानू शॉर्टेस्ट नोट्स बनाने सिखा दो, या कई बच्चों नूं हुंदा भी नोट्स बनाने ही बनाने हैं, जब तक असी अपने हाथ नाल ना लिख लिए तो सानू याद नहीं रहिंदा। पहली गल तो यह सब भुलेखे ने, सब गलत गल्लां ने मेरे अकॉर्डिंग। फिर मैं रिपीट कर रहा, हो सकता थोनू बुरा लगे पर सच्चाई यही है। सारे स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ दे विच किसी ना किसी टाइम ते नोट्स जरूर बनाए हुंदे ने, पर हो सकता कि उदों रिक्वायरमेंट होवे ते अज नहीं है। अज तो 6 साल पहला जो बच्चा तैयारी कर रहा था तो सी रिक्वायरमेंट, नो डाउट, बट अज के टाइम च बिल्कुल नहीं है। स्क्रीनशॉट्स का जमाना चल रहा है जी, अजकल नोट्स की लोड़ है? तो अपना सारा टाइम सही काम ते लाओ, सही तैयारी ते लाओ, जिहड़ी चीज़ रिक्वायर्ड है वह करो। फिर तुसी ये नहीं कहोगे यार ये पढ़न का मैनू टाइम नहीं मिलिया, ये करन का मैनू टाइम नहीं मिलिया, ये फॉर्मूला मेरा पढ़न तो रह गया। फिर यह जे तुसी एक्सक्यूजिस, रीजनस या कॉजिस अपने सामने फेलियर ते नहीं लेके आओगे, क्योंकि थोड़े कोल टाइम बहुत बच जूगा। जे अज के टाइम च बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा, 4 घंटे तो नोट्स बना रहा, नोट्स बनाते हुए इन्नी एनर्जी ला रहा, इन्ना टाइम ला रहा, जिहड़ा कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं उम्मीद करदा इन्ना कु बहुत है अज वास्ते, जिहदे नाल थोड़ा जिहड़ा हैगा यह हैबिट जल्दी तो जल्दी चेंज होई। जल्दी तो जल्दी अपनी ये हैबिट चेंज करो, नोट्स बनाने बंद करो, इस तरह के सोर्स तो पढ़ो कि बनया बनाया सब कुछ मिले। हाँ सही होना चाहिए, ये नहीं हूँ तुम सोर्स यह जहाँ फॉलो कर लिया जो बहुत ही घट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है पर उस कुछ आ ही नहीं रहा, फिर तो एक बहुत ही वड्डी गलती है, तुम भी समझ दो।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੱਸਦੇ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਅਪੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਸੰਦੀਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਹੀ ਐਫਰਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤੋਂ ਸਹੀ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਰਸਿਸ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਂਟ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ 'ਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਪਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਡਾਟਾ ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਟਾ ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਦੀਪਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 7986463146। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ।